हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरी मिर्च की सब्जी कम मसालों के साथ। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत कम समय में ये बनकर के तैयार होती है। तो फ्रेंड, जब भी आपको कुछ चटपटा सा और जल्दी से टेस्टी सा खाना हो तो आप सिर्फ हरी मिर्च से ये सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत जल्दी कम समय में। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। तो हम ले लेंगे ये हरी मिर्च। तो इनको मैंने अच्छे से धो करके पोंछ करके ले लिया है। तो फ्रेंड, आप मिर्च कोई भी ले सकते हैं, इस तरीके से मोटी वाली जो आती है, मीडियम साइज की जो तीखी मिर्च होती है वो भी ले सकते हैं, और ये पतली मिर्च वो आती हैं वो भी ले सकते हैं। तो आपके घर पे जो पड़ी हो, कभी कभार ऐसा होता है फ्रेंड मिर्च ज़्यादा आ जाती है, कोई सब्ज़ी भी नहीं होती है, तो भी आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिर्च ले लेंगे। उसके बाद ले लेंगे हम ये बेसन। तो मैंने इस तरीके से कटोरी बेसन ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। उसके बाद डाल देंगे हम ये गरम मसाला इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हम एक बार में ही ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो इसमें ये गुठलियाँ पड़ जाएंगी फ्रेंड। तो हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बनाएंगे। तो घोल में आपको बताएंगे किस तरीके से बनाना है। एकदम पतला भी नहीं करना है और एकदम थिक भी, इसे गाढ़ा भी नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से इसे बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड, आपको चेक भी कर लेना है, बेसन जो है वो अच्छे से मिर्च में चिपक जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम मिर्च को लेंगे और उसको इस तरीके से अच्छे से डिप करेंगे इसमें, और इस तरीके से लेंगे और उसको हम इस तरीके से तैयार करेंगे और मीडियम ऑयल गरम करेंगे, उसमें इस तरीके से हम डालते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसको डालते जाएंगे। डंठल इसके हम इसलिए नहीं हटाएंगे फ्रेंड, क्योंकि डंठल पकड़ने में आसानी होती है, बस डंठल से पकड़ करके इस तरीके से इसमें डिप करते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो गैस की आँच फ्रेंड हम मीडियम ही रखेंगे, इसे एकदम धुआंधार वाली आँच हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, बस मीडियम आँच पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इनको हम उलटते पलटते बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम ये इसका सुनहरा कलर आ जाए तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम जो मिर्च सेंकते हैं खाने के लिए, मिर्च पकौड़ा, उसी तरीके से इसको सेंक करके निकाल करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये तैयार कर ली है। अब इसकी हम बनाएंगे सब्जी बढ़िया तरीके से। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने ये देखिए कितने कम समय में ये कितनी सारी सेंक करके तैयार कर ली हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक कटोरी। तो हम इसमें डालेंगे ये कुछ मसाले। तो इस तरीके से डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, और उसके बाद डाल देंगे धनिया पाउडर इस तरीके से, लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे क्योंकि ये भी मिर्च थोड़ी तीखी है। तो इस तरीके से हम ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे, गरम मसाला डाल देंगे, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा डाल देंगे, कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड बनाने से सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये थोड़ा सा बेसन और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाने से मसाले जो हैं फ्रेंड फूल जाते हैं और ग्रेवी एकदम बढ़िया सी गाढ़ी बन करके तैयार होती है। अब हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई का एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल देंगे और ज़रूरत के हिसाब से ऑयल इसमें रखेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे जीरा, जीरा को अच्छे से भूंज लेंगे कंची चला करके इस तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और इसको भी अच्छे से इसमें डाल करके थोड़ा चला देंगे। और उसके बाद डाल देंगे अब इसमें हम एक इस तरीके से चम्मच भर के हम बारीक कटा हुआ लहसुन इस तरीके से, ये करीब 5 से 6 लहसुन की कलियां थी मीडियम साइज़ की, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा चला दिया इस तरीके से। डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक इस तरीके से 1 चम्मच, और उसके बाद अच्छे से इसका कलर आने तक भूंज लेंगे इस तरीके से। जब इसमें गोल्डन सुनहरा कलर आ जाए तो उसके बाद जो मसाला मैंने बना करके रखा था वो डाल देंगे और इसमें इस तरीके से चला देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे फ्रेंड, जिससे हमारा मसाला है वो जले ना, एकदम भूंज करके अच्छा सा तैयार हो जाए, नहीं तो मसाला जल जाएगा तो हमारी सब्जी का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मसाला हमारा 2 से 3 मिनट में भूंज करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें 1 कटोरी भर के पानी डाल देंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से चलाएंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम खौला लेंगे। तो देखिए पानी हमारा खौलना शुरू हो गया है, अच्छे से बॉयल आ गया पानी में। अब इसे हम खौलते हुए इस तरीके से मसाले में डाल देंगे ये मिर्च जो हमने सेंक करके रखी थी वो इस तरीके से, और इसको मिक्स कर देंगे इसमें अच्छे से। अब हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे फ्रेंड, अगर आप ग्रेवी वाली ज़्यादा सब्ज़ी खाते हैं तो ज़्यादा पानी डालें, नहीं तो आप इसमें इस तरीके से सिटपटी सब्जी बनाएं तो कम ही पानी डालें। इस तरीके से पूड़ी परांठे रोटी के साथ चावल के साथ बहुत बढ़िया लगती है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम आंच पर। तो देखिए 5 मिनट बाद सब्जी हमारी फ्रेंड बन करके तैयार है खाने के लिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया टेस्टी सी सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है, वो भी बिना किसी सब्जी के, सिर्फ मिर्च से, और इसमें कोई भी ज़्यादा मसाले भी फ्रेंड नहीं लगे हैं। तो फ्रेंड जब भी जल्दी हो बनाने की तो आप इसे चटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में। मैं तो इसे जब भी मेरे घर पे सब्ज़ी नहीं होती है तो मैं इसे ही बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए
इतनी बढ़िया से अच्छे से मिर्च भी इसमें गल गई है, अच्छे से इसमें पक जाती है मिर्च, और इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।